ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੀ ਤਸਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਤੋ ਅੱਜ ਨਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਮੌਸਮ ਮੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਥੀ ਅੱਜ ਤੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਅਭੀ ਜਸਟ ਉਠੇ ਚਲਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਤੇ और फ्रेश होते और फिर मिलते आपसे जल्द। तो सुबह की चाय बन चुकी है और ये थोड़ी सी बाहर भी आ चुकी है। ऐसा मैं चाहती नहीं थी बट मैं पीछे गई और ये बाहर आ गई और आप पीते हैं सुबह सुबह की चाय। तो जैसे कि मॉर्निंग हो चुकी है तो ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है। मम्मा ठीक नहीं है तो आज हम भी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो आवर फर्स्ट चपाती इज रेडी। उसको लगाएंगे घी और लग देंगे हॉट केस में बिकॉज मम्मा ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है 3 डेज का। तो अभी वो बेड रेस्ट कर रहे हैं। अभी वो बेड पे ही हैं, उठे हुए हैं पर बेड पे हैं। अदरवाइज वही हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट। तो वो खाएंगे चपाती, उनके लिए बना रहे हैं चपाती और बाकी खाएंगे क्या, बाकी खाएंगे मूली वाली परौंठी और पापा खाएंगे ब्रेड ऑमलेट। तो अपन बनाएंगे इसके बाद मूली की परौंठी, फिर बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट। और चाय हमने रेडी कर ली है ऑलरेडी, उसके बाद सबको देंगे चाय पीने के लिए खाने के साथ ही। और आप लोग क्या करते हैं भाई साहब सुबह उठ के, ज़रा हमें भी बताएं कि आप लोग कैसे अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। और तब तक आप लोग से जल्दी मिलती हूँ। इसके बाद यहाँ से करके फटाफट चलते हैं ऑफिस, फिर करेंगे अपना काम। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप क्या करते हैं अपने दिन की शुरुआत में उठ के। तब तक अपना फुल्का सेकंड भी रेडी हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं, बारिश रुक चुकी हुई है। पहले सुबह काफी बारिश थी बट जब निकले हम लगा था आज गाड़ी लेके आएंगे, पर जब निकले घर से तब बारिश बंद थी। तो अपनी राम प्यारी के साथ ही मजा, अपनी राम प्यारी में ना मुझे बहुत चलाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। चाहे बारिश हो धूप हो पर अपनी राम प्यारी, राम प्यारी मतलब कसम से मतलब अल्टीमेट फीलिंग आती है। ऑप्शन होता है गाड़ी चलाने का साथ में बट नहीं चलाती, तो मतलब कि राम प्यारी ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा टाइम लेके जाना। तो अभी चलते हैं अंदर और करते हैं काम और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। अब आ चुके हैं अंदर तो फिर अब करते हैं काम शुरू और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। करते दोपहर हो चुकी है तो चाय अपनी रेडी हो चुकी है। तो एक फ़ोन में गलती से ना चाइनीज की पैड हो गया था तो जस्ट उसको अभी बड़ी मुश्किल से चेंज किया। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ जाए, फिर ऊपर नीचे जाके लैंग्वेजेस में जाके फिर उसको चेंज किया और ये अपनी बन गई है चाय। अब पीते हैं चाय पी चुके हैं। तो थोड़ा सा काम था दीदी के घर में तो दीदी के घर जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है वहां पे, चलते हैं दीदी के घर। अगर कविता आज उठा होता है तो आपको मिलवाते हैं हम कविता सिंह के साथ। बारिश का जुगाड़ ऑटो वाले अंकल, रिक्शा वाले अंकल ने सवारी बिठाने के लिए कितनी मेहनत, मतलब कितनी मेहनत है ना इनकी लाइफ में, कितनी स्ट्रगल है, तो इसका ये जुगाड़ किया हुआ आप ये देख सकते हैं। तो सच में लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी चलते हैं दीदी के घर, कुछ सामान लेना था, दोबारा ऑफिस आई हूँ लेती हूँ और फिर चलते हैं दीदी के घर। तो हम दीदी के घर आए थे और ये असीस ने ये बनाई है प्यारी सी कपकेक्स और खाते और ये बड़ा ही टेस्टी लग रहा है, वॉलनट वाला बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और करते हैं ट्राई। जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। ओके अभिता सिंह सोया, अगर उठा होता तो आप सबसे मिलाती बट वो अभी सोया है, जस्ट अभी सोया। देखिए हमारे प्यारे सा कविता सिंह उठ चुके हैं। मुझे लगा था मैं जाने वाली हूँ और ये नहीं उठेंगे पर ये उठ चुके हैं और ये खुश हो गई। हमारे आने वाले ब्लॉगर हैं जो कैमरा देख के खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा बेबी, अभी कोई रिएक्शन नहीं कुछ नहीं, अभी जस्ट उठा है तो ये अच्छे से अभी उठी उठी करेगा। अगर रुकते हैं तो फिर मिलवाते हैं आपको इसको अच्छे से। तो दीदी के घर से आ चुके हैं, कविता सिंह उठ चुके थे और आपको कविता से मिलाया और ऑफिस आ चुके हैं और अब बारिश हो रही है। तो और ये देखिए ये बारिश हो रही है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कनियाँ पड़ रही हैं। सुबह से डेजल्स पड़ रहे, हल्की हल्की हो रही थी, डेजल्स पड़ रहे थे और आप देखिए आप सडनली बड़ी तेज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो आप करते हैं लंच, दोपहर का टाइम हो चुका है, लंच टाइम हो चुका है और अब चलते हैं अंदर, चलते हैं लंच करने के लिए। तो अब हमारा लंच आ चुका है, साग और राइस और ये रहा हमारा पापड़। अब खाते हैं लंच और हाय
स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट था। तो घर पहुंच चुके हैं, तो ऑफिस से जब निकले थे तब से ही बारिश बंद है, तो अभी यहाँ अंधेरा हो चुका है। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली कोई 6:30 हो रहा है, पर काफी अच्छा अंधेरा हो चुका हुआ है, बारिश नहीं है। होपफुली अब कल बारिश ना हो, बट वेदर फोरकास्ट में बारिश है, बट मैं यही होप करती हूँ कि बारिश ना हो। चलो बारिश में मुश्किल होता है यार सबका, हम लोग गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर लेते हैं, बट जो टू व्हीलर वाले होते हैं, जो रोड साइड रहते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत सी हो जाती है ना। तो उनका भी कोई समाधान हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई समाधान नहीं है वायु जी के। यही है कि कल बारिश ना हो। और आप लोग क्या करते हैं बारिश के मौसम में, पकौड़े शकौड़े खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? तो अभी घर आए हैं, देखते हैं मम्मा कैसी हैं और फिर देखते हैं अब क्या करते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर। अब शाम को कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हमने अपनी शाम के लिए कुछ थोड़े से छोटी मोटी चीज़ें गर्म कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। वो वेजीज हैं, बीच में चिली पटाटोज हैं और ये मसाला फ्राइज एंड कबाब्स। गर्म करते हैं और फिर शाम को मम्मा और सबके साथ बैठ के खाते हैं अभी फ्राई करने के बाद। मीनवाइल डिनर का भी सोच रही थी, डिनर में क्या बनाए, पर समझ नहीं आ रहा क्या बनाए। जो भी बनाती हूँ बताती हूँ क्या बना रही हूँ डिनर में। तो हमारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं ऑलमोस्ट, कुछ कुछ एक पीस थोड़ा सा जल गया मेरा, बाकी फ्राई कर रहे हैं, बाकी चीज़ें फ्राई हो गई हैं और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज और उसके बाद करेंगे कबाब फ्राई। फिर उसके बाद देखते हैं लंच डिनर में क्या बनाते हैं। तब से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, अब देखते हैं एट लास्ट क्या ही बनेगा डिनर में। आप लोगों ने आज क्या डिनर में बनाया है ज़रा आप भी बताएं। तो हमारी खाने की प्लेटें हो चुकी हैं रेडी, ये मम्मी और पापा थोड़ा ही खाते हैं तो उनके लिए उसके अकॉर्डिंग ही रेडी, और ये मेरी और चंदीप की। अब ये चलते हैं मम्मी पापा को देने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा डिनर में क्या बनाया, और डिनर में हम बना रहे हैं पालक पनीर। तो जिसमें मैंने क्या किया, पालक को एक प्रेशर लगा लिया, तो उसको ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में क्यों डाला है कि जो उसका ग्रीन कलर आ रही थी रिमेन रहे, जिसमें मैंने प्याज काट लिया है, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट निकाला है, तो दूसरा वाला मैंने उसको क्रश नहीं किया, तो उसका पेस्ट और टमाटर करते हैं ग्राइंड और फिर शुरू करते हैं अपना पालक पनीर। और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पालक पनीर बनाती हूँ। तेल गरम हो रहा है और साथ में तब तक दूसरा काम कर, तेल गरम हो रहा है तो खाली खाना बनाना ही काम नहीं होता, किचन में बैठ के थोड़ा मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। तब तक बर्तन सारे अपनी अपनी जगह लगाने होते हैं कि वो जल्दी से सारा काम निपट जाए, और सारे फटाफट से अपने बर्तन लगाते हैं। थोड़े में टमाटर गिर गए थे तो ये तेल, अभी थोड़ा टाइम है इसको, तब तक मैं अपना सारा सामान रख लेती हूँ अपनी अपनी जगह, जब तक ये तेल अच्छे से होता है गरम। लो जी हो गया था प्याज गरम, तो हमने डाल दिया प्याज। तो थोड़ा डालेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा पहले इसलिए नहीं डाला था कि वो पहले डालने पे प्याज का तेल का टेम्परेचर बहुत गर्म था, कि वो ज़्यादा जल ना जाए, इस वजह से पहले ज़ीरा नहीं डाला था। प्याज डाल के थोड़ा सा टेम्परेचर ऑयल का लो हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया फिर ज़ीरा, और थोड़ा सा डालेंगे देसी घी घर का। वो ये आपकी चॉइस, आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, आपकी चॉइस है देसी घी डालने वाली। तो मैंने डाला है, चाहे तो आप बाद में भी देसी घी डाल सकते हैं, पर मैंने उसको पहले ही ऐड कर दिया साथ में देसी घी को। हाँ, क्या खुशबू आ रही है, अब तो मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अब करते हैं अपनी पालक को तब तक ग्राइंड, जब तक ये अच्छे से वो हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन होता है तब तक, और उसको साथ साथ हल्के हल्के हाथ से चलाते भी रहेंगे और इसको ब्राउन होने का वेट करते हैं, और तब तक अपनी पालक को कर लेते हैं ग्राइंड। तो ये देखिए ये थोड़ा ब्राउन हो गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को, एक हाथ से निकल नहीं रही थी, दोनों हाथों को यूज़ करना पड़ा उसको डालने के लिए। तो आप चाहें तो फ्रेश वाला जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं, वो डालेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो फिलहाल मैंने पेस्ट ही डाली है, तो अब इसको होने देते हैं थोड़ा सा और ब्राउन। तो ये हो चुके हैं प्याज ब्राउन, अब इसमें डालेंगे मिर्ची। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा खाना चाहें उतना डालिए मिर्ची, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। हल्दी मैं वैसे कम ही यूज़ करती हूँ, पर हल्दी अच्छी होती है खाने के लिए, तो आप अगर हल्दी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बढ़िया है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें ज़्यादा, कम यूज़ करना चाहें कम, ठीक है। और अब डालेंगे टमाटर। ओए 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 ओए, चलो जी ये आगे हमारे टमाटर, अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे और थोड़ा पकाएंगे कि वो अच्छे से भुन जाए, कोई तेल और तेल छोड़ देगा जब टमाटर, तो फिर वो अच्छे से पक जाएंगे। जब अच्छे से पक जाएंगे तो फिर इसमें हम अपनी ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए पालक।
तो ये देखिए ये हो चुकी है ग्रेवी रेडी। तो तेल अलग हो चुका है टमाटरों में से, अब ऐड करते हैं अपनी पालक। अभी दो बैच है पालक की, ये मैंने फर्स्ट किया है, अभी इसके बाद मैं सेकंड बैच भी पालक ऐड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सारी पालक डाल दी और आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर है एकदम। ग्रीन कलर उसी वजह से कि पालक आप बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देंगे ना, तो इस टाइम आप फ्रिज वाला नहीं नॉर्मल ठंडे पानी में ही डालेंगे ना सर्दियों की वजह से, तो तब भी पानी ठंडा ही लगेगा उसको, तो उसी की वजह से ये ग्रीन कलर पूरा बरकरार है। अदरवाइज थोड़ी सी डल ग्रीन हो जाती है, होती तो ग्रीन है बट लिटल बिट थोड़ी सी डल ग्रीन होती है। तो अब हमने मन बनाया कि हम पनीर फ्राई करके नहीं डालेंगे, कच्चा पनीर ही डालेंगे, थोड़ा सा इसको लग जाए ये अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं अपने पनीर के चंक्स और फिर इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। तो ये देखिए ये पालक पनीर इज नाउ रेडी। आप ये देख सकते हैं ये सारा ऑयल जब ऐसे बाहर आ जाए तो इट मींस कि आपका पालक पनीर एकदम तैयार है। और नमक चखने अगर कम या ज़्यादा आपको लग रहा हो, ज़्यादा नहीं लगेगा, कम लगे तो करिए, वैसे तो बराबर ही हम सब डालते हैं, कम लगे तो नमक ऐड ऑन कर सकते हैं, वो सारा आपके स्वाद अनुसार। और साइड ऑन आज चावल बन रहे ना, फुल्का आज बन रही है साथ में मक्की की रोटी, और अब बनाते हैं गर्मा गर्म मक्की की रोटी साथ में। तो ये देखिए ये हमारी मक्की की रोटी पहली जा चुकी है तवे पे और दूसरी मैं उसको बना रही हूँ। और इस मक्की की रोटी का बस यही प्रोसेस है कि इसको जितनी अच्छे से डो को नीट करते जाएंगे उतनी ही बढ़िया ये बनेगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बढ़िया दूसरी भी रोटी बढ़िया ही बनाऊँ। तो ये देखिए हमारी पहली रोटी रेडी हो चुकी है और दूसरी तवे पे है, और ये लेके जा रहे हैं पापा के लिए ये वाली रोटी। तो ये रही मम्मी की रोटी और मम्मा को देते हैं आप डिनर, तो क्योंकि मम्मा को मक्की की रोटी नहीं खानी, उनको राइस के साथ खाना है, तो ये ले जा रहे हैं मम्मी के लिए खाना। तो बताओ पापा कैसी है रोटी, अच्छी है? लो जी अब ये मम्मा की रोटी मम्मा को देते हैं, मम्मा को दर्द है आज भी काफी ज्यादा, तो वो रेस्ट पे ही थे, तो अब मम्मी को देते खाना, होपफुली उन्हें भी खाना आएगा पसंद, तो लेते बाद में उनका भी रिव्यू, देखते क्या कहते हैं कि कैसा लगा उनको खाना। तो वीडियो को बीच में ही बंद करना पड़ा बिकॉज फोन की स्पेस पूरी फुल हो चुकी थी, तो वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ी। तो खाना बहुत अच्छा बना था, मम्मी पापा को बहुत पसंद आया, आई होप आपको वीडियो, वैसे आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ढेर सारा प्यार देना। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।